चली गई। हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी लगा दी गई है। ये इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में ठकनकला गांव की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम जय सिंह यादव है, जिसे सखी बाबा के नाम से भी जानते हैं, से उसी गांव के रहने वाले दूसरे व्यक्ति उनका नाम रामवीर यादव है, ने आपसी विवाद के दौरान चाकू से हमला कर हत्या कर दी है। संबंध में 302 IPC का मुकदमा इस्लाम नगर थाने पर पंजीकृत किया गया है। अक्यूस्ट की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई है और जल्दी ही जो आरोपित व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज जो बाबा के साथ घटना हुई, क्या मामला है पूरा? हम नीचे तप रहे थे साहब, वो आया और मंदिर में ऊपर चला गया। ऊपर उनमें बाबा से उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद 1 मिनट भी बंद नहीं हुए तब तक उसने चाकू भोंक दिया बाबा के। बाबा की आवाज़ नहीं निकली, बाबा की आवाज़ ना निकलने पर हम भागे, तब तक एक चाकू और भोंक दिया उसने, बाबा को ख़त्म कर दिया। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, हमारे ऊपर चाकू सीधा कर दिया। आपको कैसा लगा कि बाबा की आवाज़ नहीं आई? आपको कैसा मतलब क्या लगा? आवाज़ आई थी आपको? अच्छा, चाकू आरोपी साथ लेकर आया था या? ये नहीं पता साहब हमें। आपने क्या क्या देखा उसमें? उस समय उसके हाथ में चाकू देखा था, नीचे से गया तो हमने चाकू नहीं देखा। अच्छा, उस समय जब आपने वहाँ चाकू मारा तो आपने पकड़ने की कोशिश नहीं की? पकड़ने की कोशिश की साहब, हमारे तरफ को भी कर दिया, बाबा का तो काम कर दिया जब तक हम पहुँचे तब तक। जब ना हमने बचाने की कोशिश की तो उसने हमारे ऊपर को भी सीधा कर दिया। थाना पुलिस को सूचना किसने दी? अब जी ना पता साहब किसने दी। क्या नाम है आरोपी का? रामवीर। रामवीर कहाँ का रहने वाला है? यहीं का। यहीं गाँव का? हाँ।